तो हेलो एवरीवन, कैसे सब बढ़िया होंगे? लेकर चुको रहो नई वीडियो जो कि मोस्ट टैंक के ऊपर भाई बहुत ज्यादा कमेंट आ रखे थे। मतलब सबसे ज्यादा कमेंट इसी चीज के लिए आए थे कि भाई बैकग्राउंड चेंज कर दो, बैकग्राउंड चेंज कर दो, इसका ब्लैक बैकग्राउंड लगाओ, ब्लैक बैकग्राउंड लगाओ। तो भाई मैंने अब्दुल भाई से बात करी तो अब्दुल भाई ने विनाइल निकलवाई है, मैं आपको दिखाता हूँ ब्लैक कलर की विनाइल। और लाइट के लिए भी आया था भाई कमेंट काफी ज्यादा कि लाइट लगाओ, तो भाई लाइट भी दिखाता हूँ मैं कौन सी लेके आऊँ, जो कि मैं वीडियो में अगली वीडियो में दिखाऊंगा लाइट, क्योंकि इसमें मैं लगा नहीं पाऊंगा भाई लाइट, क्योंकि मेरे पास कोई हैमर मशीन नहीं है, हैमर नहीं है और जैक नहीं है। मैं छत से ऊपर से दिखाऊंगा, ऊपर से लटकाऊंगा लाइट, एक इसमें लगेगी और एक इसमें लगेगी। और लाइट में दिखाता हूँ पहले आपको, देखो ये वाली, ये 120 वाट है, ठीक है, लाइट एकदम परफेक्ट काम करेगी। और भाई एक और है मेरे पास 150 वाट, वो भी दोनों साइड से लगा दूंगा। और ये देखो भाई ब्लैक विनाइल, ये है ब्लैक विनाइल। अब्दुल भाई दिखाना एक बारी, खोल के दिखा दो, इधर आ जाओ ना, ये अपने अब्दुल भाई ये दिखा देते हैं भाई, ये पूरी ब्लैक है और ये भाई लगेगी, देखते कैसी लुक आती है। तो फटाफट से इसको चलते हैं, पहले उस वाली को उतारते हैं और इसको लगाते हैं भाई, है ना। भाई मैंने लाइट निकाल के देखी है, लाइट मेरे को लगा 120 वाट है, लेकिन ये 150 वाट है। तो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना भाई तो ये लाइट के ऊपर ही आएगी, दोनों लाइट इंस्टॉल करके दिखाऊंगा आपको कितना प्यारा इसका मतलब रोशनी हो जाएगी इसकी। और अभी ब्लैक लाइन लगाऊंगा, पहले उसको छुड़ाते हैं, अब्दुल भाई मेरी हेल्प करेंगे उसे छुड़ाने में, पहले उसको छुड़ाएंगे फिर इसको लगाते हैं भाई फटाफट से। अब्दुल भाई आ जाओ जल्दी, फटाफट चढ़ जाओ ऊपर, लेके ऊपर वाले नाम फटाफट से। तो ये हमारे अब्दुल भाई चढ़ रहे हैं, और ये देखो भाई आराम से जाना भाई, प्यार से उतर जाओ उस साइड, वैसे टैंक का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप जैसे से दो चार और आ जाएंगे तब भी, एक साइड कूद जाओ आप, मैं आ रहा हूँ उधर ही फिर। और भाई ये देखो इसकी रोशनी दिखा देता हूँ एक बार मैं हल्की सी, भाइयों को हल्की सी झलक देख लो भाई रोशनी की इसकी, ये देखो भाई ये 150 वाट है, इसमें छोटी भी आती है लेकिन मैंने दोनों 150 वाट ही लगानी है। तो अब भाई ये देखो लाइट मैं जलाता हूँ, तार लगा के देखो, ये देखो है ना रोशनी, ये देखो एक बार टैंक की तरफ लगा के देखते हैं इसको, ये देखो टैंक पर जब ये पड़ेगी रोशनी तो कितनी प्यारी लगेगी, देखो टैंक चमक आ रही है टैंक के अंदर। बढ़िया। और अभी देखना भाई ये दो लाइटें लगेंगी, ये दोनों लाइटें ऐसे लटकाऊंगा ऊपर से नीचे, एक इधर और एक इधर, इसके अंदर रोशनी बहुत ही प्यारी हो जाएगी टैंक के अंदर, सारी फिशेज अपनी एक से एक दिखेगी। फटाफट से मैं पहले विनाइल निकाल लगाता हूँ इसकी, उसको छुड़ा रहे हैं अब्दुल भाई। टाइम थोड़ा चेंज हो गया भाई हमारा, अब्दुल भाई उधर फंस गए थे क्योंकि अब्दुल भाई थोड़े से मोटे हैं, तो अभी दिनेश को बढ़ाया मैंने, तो दिनेश उसको निकालेगा पूरी शीट को। फटाफट से पहले मैं शीट निकाल देता हूँ भाई और फिर लुक दिखाता हूँ कैसी लग रही है, क्योंकि शीट निकालने में टाइम लगेगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो फटाफट पहले शीट निकाल के दिखा देता हूँ आपको। तो चढ़ जा, मैं यहाँ चढ़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये हटानी है सारी टेप तरीके से। अच्छा आप हटा रहे हो, हाँ तो ये हमारे दिनेश भाई हटा रहे हैं, कह रहे हैं आप बताओ। और मैं बीच टैंक पे बैठा हूँ भाई, टैंक मेरा अच्छा मजबूत है, कोई ऐसी बात नहीं है, टैंक बढ़िया मजबूत बना रखा है मैंने, टूटता नहीं है मेरा, ना ही टूटे कभी जिंदगी में, कोई दिक्कत ना आए ऊपर वाला, कभी कोई दिक्कत ना लगे मेरे टैंक में, नजर ना लगे किसी की गंदी। नजर भट्टू लगाने वाला हूँ यहाँ पे भैया की तरह, जैसे भैया ने लगा रखा था वहां पे, परवेज भैया ने लगा रखा नजर भट्टू, मैं भी ला के लगाऊंगा एक नजर भट्टू। तो भाई ये फाइनली छूट चुकी है, और मुझे ना अरवाना देख के छुप रही है, अरवाना मेरे से डर रही है भाई, दिखाता हूँ आपको, ये पूरा हट चुका है अपना ये फ्लैक्स बोर्ड जो मैंने पहले बनवाया था, ये देख लो भाई ये आ गया अपना फ्लैक्स बोर्ड, प्यार से छुड़ा दिया मैंने पूरा इसको, हम देखेंगे कुछ और जुगाड़ इसका, ये आ गया देखो फ्लैक्स पूरा। और टैंक दिखा देना अब्दुल भाई आर पार कैसा दिख रहा है, और इसको अच्छे से साफ करना है पहले, इधर से कपड़ा दे देना जरा एक, बैकग्राउंड के देखो कितना प्यारा टैंक लग रहा है भाई हमारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और देखो दिनेश लड़ रहा है वहां पे ज्वाइंट गुरामी से अपनी, हट जा हट जा, ज्वाइंट गुरामी किसी मतलब उसकी चुम्मी लेने लग रहा है, ये देखो भाई कितना अरे कितना प्यारा मुंह फैला रही है उसको, कितना प्यारा लग रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं उधर से इसमें बैकग्राउंड ना ही लगाऊं, क्योंकि मेरे को बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन क्या करें भाई आप लोगों की डिमांड है ब्लैक बैकग्राउंड लगाओ, तो मैं ब्लैक बैकग्राउंड ये रखा ही लगाऊंगा ही लगाऊंगा इसके अंदर। जैसे दिनेश साफ कर रहा है ना ज्वाइंट ग्राम, इसके पीछे पीछे लग रही है दिनेश की। और ये देखो देखो अरवाना, अरवाना कितना डर रही है यहाँ से, अरवाना डर रही है देखो, ये देखो, ये देखो भाई अरवाना भी भाई बहुत डर रही है। और अपनी ये फिशिश अभी इसी में घूम रही है, अभी तक रुकती भी मैंने इनको देखा नहीं है बिल्कुल भी, और रेड टेल कैटफिश को तो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं है भाई, उसको छोड़ के तैयार नहीं है। और ये देखो अपनी स्नेक हेड, जल्दी इसके लिए एक साथी और लिखाने वाले हैं। और ये देखो अपना एलिगेटर कार नीचे बैठा रहता है, अपना हैवी एलिगेटर कार कहाँ है वो दिखाई नहीं दे रहा किधर है, ये रहा एलिगेटर कार इसी के पास, ये रहा देखो इतनी प्यारी क्वालिटी अपने वाले एलिगेटर कार की, ये जो ज्वाइन ग्रामी के साथ खेल रहा है। बस कर ज्वाइन ग्रामी खाता है, ब्लैक कलर की कैसी आती है हल्की सी लगा के दिखा भाई, फिर टेप मारते हैं इसको फटाफट से, चौड़ी वाली जो टेप आती है
इधर से पकड़ लेता हूँ भाई। अब्दुल भाई नीचे दिखाओ एक बार, टैंक की लुक कैसी आ रही है? एकदम परफेक्ट आ रही है। ब्लैक कैसा लग रहा है? सही लग रहा है अब्दुल भाई, ब्लैक एक नंबर लग रहा है। तो फिर भाई ब्लैक ही लगाते हैं। तो करते हैं इसकी भाई स्टार्टिंग फटाफट से टेप लगा के। और भाई बहुत ज्यादा इसके अंदर दिक्कत होती है लगाने में हमें, क्योंकि भाई स्पेस नहीं बनता। तो पहले यहाँ से कोने पे ले लो एकदम, है ना। रुको एक सेकंड, ये लो टेप, मैं इसको यहाँ रोकता हूँ। ऑलमोस्ट हमने आधी टेप लगा दी है, क्योंकि हमारे पास भाई बंदे कम थे, क्योंकि कैमरा मैन हमारा टेप छुड़ा के दे रहा था मैं, अब्दुल भाई और दिनेश यहाँ फंसा हुआ था। तो कुछ टेप रह गई भाई, वो मैं लगा देता हूँ फटाफट से। और मैंने इधर से कटिंग भी कर दी पूरी, ये वाली टेप की मदद से भाई हमने इसको चिपकाया, सिलिकॉन वगैरह लगाई नहीं, क्योंकि कल को अगर हमें हटाना भी पड़े तो हम इसको इजिली हटा सकें। टेप बहुत ज्यादा लगानी पड़ रही है हमें इस पर, क्योंकि छोड़े ना पानी हमारा लीक होता है, क्योंकि यहाँ से हल्का फुल्का पानी की छींटा आती है तो छूट ना जाए। दिनेश भाई लगाओ नीचे को, ऐसे खींच के लगाना नीचे को साफ करके एकदम। इसको ये देखो उधर से उठ रहा है, इस पे लगाया और टेप टेप खींची दे उधर को, खींच दे टेप। हाँ ये चिपकाए। तो देखो भाई ब्लैक कलर लगने के बाद कुछ दिख रहा है नीचे? जरा एक बार हाईलाइट हो रही है, फिर नहीं हो रही ब्लैक? कैसी लग रही ब्लैक थी मेरे पर? अच्छी लग रही है। अभी तो लाइट लगेगी ना, उसके बाद देखना, क्योंकि मैं लाइट प्रॉपर व्हाइट लगाऊंगा, 150 वाट की दो लाइटें लगेंगी, उनका तो ऑसम लुक आ जाएगी देखने दिखाने लायक। और ये भाई सही से खींच के लगा, और टेप कम मत लगाइए, प्रॉपर लगाइए एकदम, थोड़ी भी ना उठे विनाइल। तो फटाफट से भाई लाइट की भी रोशनी भी दिखाएंगे आपको, कितनी लाइट लगने के बाद कितना इसमें उजाला रहता है। और मैं कलरफुल लाइट लगाने की भी सोच रहा हूँ, तो मेरे को कमेंट करके बताना कि मेरे को इसमें कलरफुल लाइट लगानी चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि जो वाटर प्रूफ लाइट होती है, मैं सोच रहा हूँ दो लाइट है टैंक के अंदर, एक इधर से और एक इधर से, दोनों लगा देता हूँ इमरजेंसी लाइट के लिए, क्योंकि वो हमेशा तो मैं जलाऊंगा नहीं, उनमें एलगी वगैरह काई वगैरह जम जाएगी, बट हैवी वाली लाइट तो मैं हमेशा नहीं जलाऊंगा, वीडियो के टाइम पे जलाया करूंगा उसको। तो मेरे को कमेंट करके बताना कि मैं वो जो कलरफुल लाइट होती है वो भी ला के लगा दूँ या नहीं लगाऊँ, उसके अंदर वाटर प्रूफ होती है बड़ी वाली। तो भाई उधर की टेपिंग पूरी हो चुकी है प्रॉपर, अब बारी इधर की, हमने कटिंग कर दी है इसकी पूरी। तो वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए हमने क्या करा पहले ही काट दिया इसको बिना वीडियो लिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको तो लुक देखनी है, लंबी वीडियो का पूरी हो चुकी है। चलो तो उधर की पूरी ऑलमोस्ट टेपिंग पूरी हो चुकी है, बारी इधर की, तो हमने ये कटिंग वगैरह कर दी है सारी, और अब इस पर टेपिंग की बारी, फटाफट से टेपिंग कर दी। ले भाई दिनेश लगा एक पार्ट, ये लगा खींच के लगाइए टाइट करके, ज्यादा बड़ी अरे तो इधर को कर दो ना थोड़ी सी ज्यादा बड़ी है, तो इधर को ज्यादा लगा दो। विनाइल लगाने में ये टेप बहुत फायदेमंद है, अगर पीछे से लगा रहे हो तो, और अंदर से लगा रहे हो तो सिलिकॉन से लगा लो, सबसे बढ़िया है। ठीक है लो स्टार्ट। विनाइल अपनी पूरी लग चुकी है, फिनिश होगी, टेप एकदम लग चुकी सब पे। तो बारी है भाई इसकी पाइप की, ऑक्सीजन जो पाइप है ना, इसके अंदर मैंने जो उसका लगा रखा ऑक्सीजन का बबल पाइप, तो भाई इसको ना मैंने अंदर से नहीं लगाया, बाहर से मैं टेप लगाता हूँ इसमें। अब इसको फटाफट लगाते हैं, फटाफट लगा भाई देने, बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे खड़े खड़े थक चुका हूँ मैं, ऊपर बैठे बैठे नीचे सोच रहा हूँ कि मज़ा आ रहा है, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ भाई मैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी देखनी पड़ रही है मेरे को। ले भाई देने से भाई इसको भी लगाओ, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है टेप, छोटे छोटे पीस लगाने हैं। तो फाइनली गाइज विनाइल लग चुकी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है टैंक भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ भाई, दिनेश जरा कैमरे कम हूँ इधर कर एक बार, ये देखो भाई फाइनल लुक देखो इसकी एक बार, कितनी प्यारी लग रही है भाई, एकदम मतलब जबरदस्त, एकदम सारी फिशेज ना हाईलाइट हो रही है एकदम, एक से एक फिश, जितनी भी सारी फिशेज अपनी देखो, अरवाना को देखो एक बार, बटर कुफरी देखो, और जॉइंट गुरामी सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है इसके अंदर, जॉइंट गुरामी मतलब सामने पूरा ब्लैक है, तो उसके बाद ये एकदम हाईलाइट हो रही है, और अपनी शार्क वगैरह भी हो रही है, रेटल कैटफिश तो अपनी अंदर ही रहती है, बट ये देखो अरवाना एकदम हाईलाइट हो रही है। अभी तो इसमें लाइटिंग नहीं लगी है, लाइटिंग लग जाएगी तो कितनी प्यारी लगेगी, तो समझो इस चीज़ को, अभी लाइटिंग लग जाएगी तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगेगा अपना टैंक। बाकी ये देखो लुक कुछ इस तरीके की नज़र आती है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ी इसको लगाने के लिए, आपको लगा होगा छोटी सी वीडियो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करनी लगी इसको लगाने के लिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, और ये देखो अपना चन्ना, ठीक है चन्ना थोड़ा सा अभी गुस्सैल है अपना, ठीक है एकदम हाईलाइट हो रहा है लेकिन वो भी। तो भाई आपके कहने पे मैंने पूरी ब्लैक लगा दिया, बैकग्राउंड बैक थीम लगा दी है, बहुत ही अच्छी लग रही है, और जेन्युइनली मेरे को पसंद आ रही है ब्लैक थीम, अब लाइट लगेगी तो और भी अच्छी लगेगी। और जैसे भाई लोग कमेंट करते हैं मैं वैसे ही करता हूँ, तो भाई जैसे मैं बोलता हूँ वैसा आप भी कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर देना,
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई मेरे, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है और थोड़े से पैसे भी लग जाते हैं, तो तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने ग्रुप में भाई शेयर करो जो भी फिश लवर हो, क्योंकि मैं और बहुत अच्छी अच्छी फिशेज लेकर आने वाला हूँ। अभी मैंने मंगाई है फिशेज, 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएंगे भाई, अपडेट वीडियो डाल दूंगा शॉर्ट वीडियो के अंदर, तो देखते रहना भाई कौन सी मैंने फिश मंगाई है। बहुत ही अच्छी अपनी परुण शार्क आ जाएगी, ठीक है, 2 से 3 दिन के अंदर आ जाएगी, क्या पता कल भी डिलीवर हो जाए। और एक चन्ना मंगाया मैंने बहुत अच्छे साइज का, तो मैं आपको कल या परसों में आपको दिखा दूंगा। बने रहें अपने भाई के साथ वीडियो के अंदर, ठीक है, आगे भी वीडियो देखते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, एक से एक अच्छी वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय, टेक केयर।